दोस्तों, वेलकम टू एस टेक। एस टेक में आपका स्वागत है। आप तलाश कर रहे हैं एक बढ़िया एयरफोन की तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच सबसे बेहतरीन वायर वाले एयरफोन, वो भी 500 रुपये से नीचे, जिनमें आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलेगी, साथ ही में अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाएगी, जो लंबे समय तक आपका साथ बिल्कुल देंगे। और इनमें आपको जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो बिल्कुल हाई लेवल की मिलेगी। ऐसी साउंड क्वालिटी आपको जो वायरलेस वाले ईयरफोन मिलते हैं उनमें आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि उनमें जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है। इस वायर वाले ईयरफोन की खासियत ये होती है कि इसमें आपको सस्ते में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ सबसे बेहतरीन टॉप 5 ईयरफोन। हमारा 5वें नंबर पर जो ईयरफोन आता है उसका नाम है बोल्ट ऑडियो लूप 2। ये बोल्ट की तरफ से आने वाला काफ़ी बेहतरीन ईयरफोन है। इसमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसमें जैसे आपको 10 mm वाले ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। साथ ही में इसमें आपको माइक्रो वूफर्स दिए गए हैं, जिससे आपके कानों में जो बेस है इसका वो काफ़ी शानदार सुनने को मिलेगा। अगर इनमें आपको इनबिल्ट कंट्रोल मिल जाता है एक बटन वाला, जिससे आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिलता है, IPX5 वाली वाटर रेजिस्टेंट मिल जाती है। हाँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसमें आपको जो वायर मिलते हैं वो रबड़ वाले मिलते हैं, वो उलझ जाते हैं, और इसकी जो लॉन्ग टर्म में देखें तो वो थोड़ा मतलब जल्दी ख़राब होने की संभावना भी रहती है। तो अगर ये आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करे तो ये काफ़ी अच्छा एयरफोन साबित हो सकता है आपके लिए। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 350 रुपये में अमेज़ोन पर आसानी से मिल जाएगा। कंपनी इस पर आपको 1 साल की वारंटी प्रदान करती है। और इसी साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे नंबर 4 पे आने वाला एयरफोन, जिसका नाम है Realme Buds 2। ये Realme की तरफ से आने वाला काफ़ी बेहतरीन ईयरफोन है। इसमें आपको 11.2 mm वाले डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, जिसके कारण इसकी साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। खासकर पिछले वाले से कंपेयर करें तो काफ़ी शानदार साउंड क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही इसमें आपको टेंगल फ्री केबल मिलती है। कंपनी ऐसा दावा जरूर करती है कि टेंगल फ्री है, पर मेरे जो अनुभव है वो कुछ खास नहीं रहा इसके केबल के साथ, क्योंकि ये उलझ जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम मुझे लगी है। हाँ, इसमें आपको बेस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। साथ ही इसमें इनबिल्ट माइक मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। सामने वाले के जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप ईयरफोन से बात कर रहे हैं। इसमें आपको 90 डिग्री वाला ऑडियो जैक मिलता है, जो कि उन लोगों को काफ़ी पसंद आने वाला है जो खासकर गेमिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि गेमर्स को ज़्यादातर एल शेप वाला ऑडियो जैक काफ़ी पसंद आता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो आपको 499 रुपये में अमेज़ॉन पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। कंपनी इस पर आपको 1 साल की वारंटी प्रदान करती है। तो ये ईयरफोन आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन साबित हो सकता है आपके लिए। और हमारा 3rd नंबर पर जो ईयरफोन आता है उसका नाम है बोट बेस हेड 242। ये बोट की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन लगा है मुझे। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे इसमें आपको फिट हेयर हुक मिल जाते हैं, जिसके कारण आपके जो कानों में ईयरफोन है वो काफ़ी आसानी से लगे रहेंगे। और आप अगर स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हैं तो या जिम वगैरह जाते हैं उस समय भी आपके ईयरफोन आपके कानों से निकल के बाहर नहीं आते। साथ ही में इसमें आपको 10 mm वाले ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई है। इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है कि इसमें आपको सभी जो बेस है या इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो बिल्कुल आपको बैलेंस देखने को मिलेगी। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि बेस ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सब कुछ आपको सुनाई देगा। साथ ही में इसमें आपको IPX4 वाली स्ट्रीट रेजिस्टेंट मिल जाती है, जिसके कारण आपका जो ईयरफोन है वो धूल गर्दे से भी बचेगा, साथ ही में वाटर रेजिस्टेंस भी है। और सबसे खास मुझे इसकी केबल की क्वालिटी लगी है। वैसे तो इसमें रबड़ की क्वालिटी वाले वायर मिल जाते हैं, पर इसकी जो केबल मिलती है वो काफ़ी शानदार है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, आपको ये बिल्ड क्वालिटी में किसी प्रकार से निराश नहीं करेगा। या ना जल्दी से उजल उलझती है, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई टूटने का डर रहता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो थोड़ा आपको देखने को थोड़ा महंगा मिलेगा, या अगर आप ऑफर वगैरह लगा लेते तो आपको 500 रुपये का आसपास देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये आपको 600 रुपये में फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर मिल जाएगा। बोट इस पर आपको 1 साल की वारंटी भी देता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे 2nd नंबर पर आने वाला ईयरफोन, जिसका नाम है JBL C100 SI। जैसा कि मैंने बताया, ये JBL की तरफ से आने वाला ईयरफोन है, और JBL कितनी बड़ी कंपनी है म्यूजिक के मामले में ये तो आपको बताइए। इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें आपको 9.2 mm वाले ड्राइवर देखने को मिलते हैं। आप नंबर पर मत जाइए, इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन मिलती है, क्योंकि JBL अपनी साउंड क्वालिटी को बिल्कुल इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि वो आपको महसूस भी नहीं होने देता कि ये इसमें कम ड्राइवर होने के बाद भी इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी कैसे मिल जा रही है। साथ ही इसमें आपको जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो आपको सभी इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे इनबिल्ट माइक मिल जाता है, म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए एक बटन मिल जाता है। साथ ही में इसकी जो केबल है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। और इसमें जो आपको ऑडियो जैक मिलता है वो गोल्ड प्लेट वाला देखने को मिलता है, जिससे भी इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गोल्ड प्लेट वाले जो
जैक होता है उससे साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन निकल कर आती है। तो मुझे ये ईयरफोन किसी मामले में निराश नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इसको नंबर दो पर रखा है। इसकी अगर वारंटी की बात करें तो कंपनी इस पर आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है, और बात अगर प्राइस की करें तो वो इसके ऊपर नीचे होती रहती है। कई बार ये 500 रुपये से नीचे देखने को मिलता है, कई बार ये 700 रुपये के आसपास से आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखना होगा। फिलहाल इसकी प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 550 रुपये। और हमारा नंबर वन पे जो ईयरफोन आता है वो आता है बोट की तरफ से आने वाला बोट बेस एड 105। ये ईयरफोन काफ़ी शानदार ईयरफोन है। इसमें जो ड्राइवर मिलते हैं वो काफ़ी बड़े ड्राइवर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 13 mm वाले ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, जो इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन उभर कर आती है। जैसा कि मैंने आपको इस बताया, इसमें 13 mm वाले ड्राइवर मिलते हैं, जिसके कारण आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही में इसमें आपको जो वायर मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। इसमें जो 3.5 mm वाला जैक मिलता है वो भी गोल्ड बेल्ट वाला मिलता है, वो भी इसके साउंड क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। और जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो इसमें आपको सभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको एक बटन मिलता है जो कि आपके म्यूजिक को कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही वॉइस असिस्टेंट के फीचर को भी आपके लिए ऑन ऑफ कर सकता है। इसमें आपको जो इनबिल्ट माइक मिलता है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। तो ये सब फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, मुझे इसमें एक कमी भी लगी है, वो है इसके किसी प्रकार की कोई वाटर रेसिस्टेंट और ना ही कोई डस्ट प्रूफ की सुविधा दी गई है। यह एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है, अदरवाइज ये काफ़ी बेहतरीन ईयरफोन साबित हो सकता है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 450 रुपये में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बोट तीनों वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगा। साथ ही में कंपनी इस पर आपको एक साल की वारंटी प्रदान करती है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज टेक चैनल।